नहीं होती। साढ़े मोहतरम कारी मोहम्मद रफीक साहब माशाल्लाह ये खादम कुरान ने कुरान की खिदमत कर रहे ने, तुहाडे करीब ही मदरसा है। इस पिंड के अंदर भी नाजरा की क्लास बच्चियां की तालीम का सिलसिला ये सारा कुछ हजरत कारी साहब ने, ये उन्होंने मेहनत है। तो तुहाडी जिम्मेदारी भी है कि तुसी माशाल्लाह अपने बच्चियां नूं पढ़ाओ, कुरान वाला बनाओ। कुरान नाल जिन्नी निस्बत मजबूत होएगी अल्लाह की जात उन्नियां शाना ते बुलंदियां अता करेगा। वेखो ना दुनिया के अंदर बड़े वड़े वड़े पहाड़ मौजूद ने, मगर रब ने एक पहाड़ की शान कुरान विच बयान की। ये वो पहाड़ जिदे उत्ते हजरत मूसा अली सलाम खड़े होके रब नाल गल्लां करदे सन, जिन्हों कोहे तूर किया जाता है। पहाड़ का मुल कोई नहीं, कीमत खलौण आले की। किस पहाड़ ते नबी दे कदम लगे, रब ने उस पहाड़ नूं शान वाला बना छड़े। दुनिया दे अंदर गार बड़े ने, एक गार होवे जिदे विच अल्लाह दे चंद वली बैठे, जिन्हां नूं असहाबे काफ कहा जांदा है, कुरान मजीद च मौजूद है। वो अल्लाह दे वली उस गार च बैठे, रब ने उस गार दा जिक्र भी अपने कुरान दा हिस्सा बना छड़िया। मुल पत्थरां दा नहीं, मुल उन्हां दा है जिहड़े गार विच बह गए। एक गार होवे जिहदे अंदर मेरे और तुहाडे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, ते रब ने उन्हां ते कुरान नाजल किया, जिन्हों गारे हरा किया जांदा है। एक गार होवे जिदे अंदर हजरत अबू बकर ते हजूर बैठे हिजरत की रात नूं, जिन्हों गार सौर किया जांदा है। एक इन्हां गारां दा जिक्र क्यामत तक होंदा रहेगा। इन्हां पत्थरां दा मुल नहीं, मुल ते बहन वालियां दा है। तुसी किसी मिस्त्री नूं कहंदे हो कि यार फर्नीचर बनवाना है, ए टाली वड लो, टाली वड लई, उहदियां फटियां बन गईयां, कुर्सी बन गई, मेज बन गए, सोफे बन गए, बेड बन गए, थोड़ी जी लकड़ी बची सी, तुसा आखिया यार एदी एक रेल बना छड़, बच्ची नू कुरान देना है, ते चलो इस रेल ते रख के बच्ची कुरान पढ़ लेगी। हुण वेखो ना कोई बच्चा मेज ते पैर रखे ते बह जाए, तुसी कुछ नहीं आखदे। सोफे ते बैठ जाए, कुछ नहीं आखते। कुर्सी ते बह जाए, है ही बहन वास्ते। बैड ते लेटे, ठीक है बैड बने ही ये वास्ते भी। लेकिन ओ ही बच्चा अगर रेल उत्ते पैर रखन लगे ते तुसी रखन नहीं देंदे। वो आखे अब्बा ये फटियां ते उसी टाली दियां ने जिदे मेज बने, जिदियां कुर्सियां बनियां, जिदा बैड बनया, तो एदी रेल बनी है, तो एदे ते पैर क्यों नहीं रखन देंदे हो? तो प्यो कहंदा है पुत्र एदी निस्बत अल्लाह दे कुरान नाल है। ते रेल ते फट्टी दा मुल कोई नहीं, मुल ते निस्बत दा है। वेखो ना गर्मी दा मौसम है, तुसी किसी यार कोल टुर जाओ, वो तुहाडे वास्ते शरबत बनावे, तुहाडे वास्ते ओ पेप्सी दी बोतल ठंडी जी ओ रख दवे, और अद्धा गलास सादा पानी रख छड़े। तुसी उन्हों पुछदे हो यार ए ते पेप्सी है, ए रूह अफजा दा शरबत है, ते ए जड़ा अद्धा गलास सादा पानी ए की? ते ओ कहंदा है कि मैं उमरे ते गया सा ते जम जम लैके आया। ते तुसी कहंदे हो यार ए गलास पूरा भर छड़, वो भर छड़द है, ते तुसी वो पूरा जम जम पी लेंदे। वो कहंदा यार तू रूह अफजा पी, एदे च चीनी पाई है,
शरबत ए पेप्सी पी ठंडी है। तुसी कहंदे हो कि सजना गल एवे रूह अफजा दी निस्बत कंपनी दे नाल है, पेप्सी दी निस्बत कंपनी दे नाल है, और जमजम दी निस्बत अल्लाह दे को अल्लाह दे नबी दे नाल है। ते जिदी निस्बत अल्लाह दे कुरान नाल हो जाए, जिदी निस्बत अल्लाह दे नबी नाल हो जाए, अल्लाह उस चीज दी कीमत नू वधा छड़दा है। साढ़े हाफिज साहब सुफियान साहब अल्लाह दे कुरान नाल निस्बत हो गई, हुण इन्हां नू लोकां की कहना है हाफिज साहब। सुफियान बहुत घट ही कोई बोलेगा, अक्सर बोलेंगे हाफिज जी इधर आ जाओ, हाफिज जी इत्थे बह जाओ। मैं अक्सर जुमला इस्तेमाल करदा कि पिंड दे अंदर ओही बच्चे होंदे ने जिन्हां दा नाम शीदा रशीद हुंदा, तुहानू शीदा कहंदे हो, अब्दुल मजीद हुंदा उहनू मजीदा कह छड्डदे हो, जीदा कह छड्डदे हो, उसी बच्चे नू मदरसे पा छड्डदे हो। महीने बाद जदों पिंड आंदा ते पिंड वाले कहंदे ने हाफिज जी की हाल है, ठीक हो, हुण शीदा कोई नहीं बोलदा, जीदा कोई नहीं बोलदा, हाली तो ओदी निस्बत कुरान नाल जुड़ी है। तुसी ओदा एहतराम करना शुरू कर दिंदे हो, कुरान है ही अजमत वाली किताब, कितनी बुलंद किताब है, किन्नी शान वाली किताब है, जिदे नाल अल्लाह ने साड़ी और तुहाडी निस्बत जोड़ी है। मेरे और तुहाडे आका हजरत मुहम्मद मुस्तफा, सब कह दो सल्लल्लाहु, जोर नज़र कह दो सल्लल्लाहु। वेखो दरूद इबादत भी है, दरूद सआदत भी है, ते दरूद हजूर दे नेड़े होने का जरिया भी है। जड़ा बंदा चाहता है ना कि मैं सरकार दे नेड़े हो जावा, तो उन्हें चाहिए कि ज्यादा तो ज्यादा दरूद पढ़े। आका अली सलाम ने फरमाया, ओ बंदा बदबखत है जिदे सामने मेरा ना लिया जाए ते मेरे ते दरूद ना पढ़े। इस वास्ते जदू भी सरकार दा नाम आना है तो क्या कहना है, सल्लल्लाहु, जरा जोर ना कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ाया भी, कुरान समझाया भी, और कुरान सिखाया भी। मक्के दी ओ वादी जिदे अंदर लोकी कुरान सुनना नहीं सन चाहते, जेड़े सुनन वाले सन वो थोड़े सन, जेड़े मुनकर सन वो बहुते सन, मगर कुर्बान जाइए हजूर दियां मोहब्बतां ते रहमतां ते, आपने ना दिन वेख्या ना रात वेखी, ना खुशी वेखी ना गमी वेखी, हर वेले कुरान दी दावत ते पैगाम लोकां तक पहुंचाया। मक्के वाले तंग पै गए, उन्हें आख्या कोई ऐसी गल करो, हजूर दा कोई ना पाओ कि जिन्हों सुन के लोकी सरकार दे नेड़े लगन ही ना। बड़े सोच विचार तो बाद कहन लगे कि असी हजूर नू जादूगर कहांगे, नाउज बिल्ला। उन्होंने बड़ा मशहूर किया जादूगर, लेकिन उन्होंने लोग आखन लगे वह जादूगर की हालत होर होंगी है, इन्हों की हालत होर है, ये जादूगर कोई नहीं। फेल हो गया मनसूबा, फिर कहन लगे चलो जादूगर नहीं थे, असी इन्हों मजनून नाउज बिल्ला दीवाना जिन्हों कहते ना, इन्हों दीवाना कहते हैं। जड़ा बंदा मिले उन्होंने आखो कि यह दीवाना है, नाउज बिल्ला, तो दीवाने को कौन बहंदा है, आप ही लोग नस जाने। उन्हें भी जो दीवाना दीवाना कहा ना, तो उन्होंने बंदे आखन लगे वो तुहानू दीवाने के अंदर तो इन्हों के दरम्यान फर्क नहीं लगता, ये दीवाने लगते जे, इन्हों वर्गा तो अकलमंद कोई नहीं, इन्हों वर्गा तो सच्चा कोई नहीं, इन्हों वर्गा तो अमानत वाला कोई नहीं। ये मनसूबा भी फेल हो गया। फिर कट्ठे हो उन्हें आख्या कोई होर मनसूबा बनाओ, कोई गल बनाओ कि कोई हजूर दे नेड़े ना लगे। उन्हें फिर एक गल बना ली और मक्के दे चार चफेरे बंदियां दी ड्यूटी ला छड़ी,
कि तुसा एहो ही कुछ कहना है। अल्लाह ने उन्हों कुरान विच बयान किया। हुण जिहड़ा बंदा भी मक्के दा काफर हुंदा, जिहड़ा बंदा भी मक्के वल आंदा, उन्हों मिलदा, उहदा इस्तकबाल करदा ते नाल उन्हों कहंदा ला तस्माऊ लिहाज़ल कुरान। मक्के दियां गलियां दे अंदर, बाजारां दे अंदर, चुरायां दे अंदर इक्को ही नारा लगदा पिया है ला तस्माओ लिहाज़ल कुरान। इस कुरान नूं ना सुनियो, कुरान वाले नबी दे करीब ना जायो, कुरान वाले नबी दी गल नूं ना सुनियो। हर कोई रौला पांडे आए मक्के दे बाजारां दे अंदर, घरां दे अंदर हज़ूर दे खिलाफ एक गल्ला जारी ने। नबी करीम दिने भी रात भी सुबह भी शाम भी हर वेले अल्लाह दे कुरान वल लोकां नूं बुलांदे, दावत दिंदे ने, पैगाम दिंदे ने। आप दी आवाज मक्के विचों निकलदी बाहर टुर गई, बाहर दे कबीलियां तक हजूर दी आवाज जदों पहुंचीए, एक लड़का है अपने चाचे दे कोल रहण वाला, ओदी अम्मा ने उदे चाचे नाल शादी कर रखी है, यतीम है। चाचे ने माल भी उन्हों बड़ा दिता है, मकान भी दिता है, भेड़ां ते बकरियां भी दितियां ने। ए पुत्रा खा पी अपनी जिंदगी गुजार, तन्नू कोई परेशानी नहीं आएगी। यही लड़का बकरियां चारदा चारदा मक्के दे राह विच आ जांदा है। कुछ लोग गुजरन डे ने, ओ गल्लां करन मक्के दे अंदर एक नबी करीम आए ने, अल्लाह दे नबी आए ने, अल्लाह दियां गल्लां करदे ने, दीन दियां गल्लां करदे ने। इस लड़के ने सुनिया करीब आया, कहन लगा लोको केड़े नबी दी गल करदे हो, किस सोने दियां गल्लां सुनान दे हो। कहन लगे मक्के दे अंदर एक अल्लाह दे नबी ने जिन्हां नूं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जांदा है। ओ कहंदे ने मेरे उते कुरान नाज़िल हुंदा है, पढ़ पढ़ के लोकां नूं सुनांदे ने। ओ लड़का कहन लगा मन्नू भी कुरान सुनाओ। उन्हां जदों कुरान सुनिया आयतां नूं याद कीता है, हजूर दियां मुहब्बतां उहदे दिल दी अंदर आणियां शुरू हो गईयां। उहदा दिल करदा मैं उड के हजूर कोल टुर जां, मगर चाचे दा डर लगदा है चाचा मारेगा। वेला गुजरदा गया, नबी करीम मक्कियों टुरे ने मदीने पहुंच गए। बदर दी लड़ाई भी हो गई, ओहद दी लड़ाई भी हो गई, मक्का फतह हो गया है। कितने साल गुजर गए, वो लड़का एक दिन मजबूर होके हजूर दी मोहब्बत दे अंदर बेकरार होके अपने चाचे दे कोल गया। कहन लगा चाचा इन्ने साल तेरा इंतजार किता है, तू मेरी गल नहीं मन्नी, आ मैं भी ते तू भी हजूर दे गुलाम बन जाइए। कहन लगा पुत्रा केड़े हजूर दी गल करदा है, किस नबी दी गल करदा है। आप फरमान लगे उन्हां दा नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आ चाचा मैं भी ते तू भी हजूर दा गुलाम बन जाइए। कहन लगा पुत्रा उन्हां दा नां ना ले, मैं ते तन्नू आजाद रखे है, तू गुलामी दियां गल्लां कर रहे। गुलामी बड़ी अजीब चीज होंदी है, आ आजादी दे अंदर जिंदगी गुजार, मगर जिदे दिल दे अंदर मुहब्बत आउंदियां ने ओ ते कहंदा है मेरे मोहम्मद दा गुलाम होना ही काफी है, मेरे लिए मोहम्मद दा गुलाम होना ही काफी है, हासिल गुलामी दा मकाम होना ही काफी है। आ हजूर दा गुलाम
गुलाम बन चलिए। चाचा कहन लगा जे तू गुलामी दी गल करनी आ मेरा माल मनु वापस दे। सारा माल वापस दिता है। कहन लगा ए जड़े कपड़े पाए ने ए भी मैं तन्नू दिते ने, एक कपड़े भी उतार दे। उन्हें कपड़े उतार दिते, नंगा बरहना हो गया। कहन लगा जा तुर जा मेरी नजरां तू दूर हो जा। ईमान वाले हो कलमा पढ़ना ते बड़ा आसान है, कलमे ते डट जाना बड़ा मुश्किल है। कुरान दा नाम लेना आसान है, कुरान ते अमल करना मुश्किल होंदा है। कपड़े भी दे छड़े। कह लगे चाचा तनु माल नाल मुहब्बत है, मनु आमना दे लाल नाल मुहब्बत है। माल नाल मुहब्बत है, मनु आमना दे लाल नाल मुहब्बत है। सब कुछ छड़े आए, तुरी जान दे आए, अपनी अम्मा दे दरवाजे ते आया है। दस्तक दीती है, मां पूछ दी है कौन है। आखे अम्मा मैं तेरा पुत्र अब्दुल्लू सावा। पर अम्मा दरवाजा ना खोली, मैं नंगा वा, मेरे जिस्म ते कपड़ा कोई नहीं। पहले कोई कपड़ा सुट, मां ने टाट दा टुकड़ा सुटिया है, उन्हें पहने आए, अंदर गया है। मां कहन लगी पुत्रा की हो गया है। आख्या अम्मा मैं मुहम्मद दा गुलाम हो गया वा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा मैं हजूर दा गुलाम हो गया वा। मां कहन लगी पुत्रा केड़े मुहम्मद, किना दी तू गल कर दे। आख्या मां ओ मेरे नबी ने, मेरा ईमान भी ओने, मेरी जान भी ओने। पुत्रा किथे रहंदे ने? आख्या मदीने रहंदे ने। मदीने विच की करदे ने? आख्या अल्लाह दे दीन दी गल करदे ने। किसी शायर ने बड़ी प्यारी गल कीती है, किथे रहंदे ने? आख्या मदीने विच। ओ मदीने विच एक सोना आया, रब दी बोली बोलदा। मदीने विच एक सोना आया, रब दी बोली बोलदा। जेड़ा ओ दे लड़ लग जावे, ओ कदी नहीं डोलदा। मदीने विच एक सोना आया, रब दी बोली बोलदा। रुतबे ओ दे हैं नराले, ओ नहीं वेंदा काले। रुतबे ओ दे हैं नराले, ओ नहीं वेंदा गोरे काले। ओ रंगां दी तकड़ी अंदर आशक नू नहीं तोलदा। मदीने विच इक सोना आया, रब दी बोली बोलदा। नशरा सीना हाथ यदुल्ला, कदमा थले अर्श मुअल्ला। नशरा सीना हाथ यदुल्ला, कदमा थले अर्श मुअल्ला। मुल नहीं कोई पा सकदा एहो जे अनमोल दा। मदीने विच इक सोना आया, रब दी बोली बोलदा। मां आखन लगी पुत्रा तू ते आई मेरा कल्ला ही है, ते मेरा ते होर कोई नहीं। आखे अम्मा मैं हजूर तो बगैर रह नहीं सकता, ये मेरी मजबूरी है। मेरा तो दिल करदा मैनू पर लग जान ते मैं सरकार दी खिदमत च पहुंच जावां। मां ने बड़ा समझाया पर उन्हें आख्या अम्मा तन मन बदन वतन अमन चमन हर चीज हजूर ते कुर्बान, मैं उन्हां तो बगैर नहीं रह सकता। आख्या जा फिर टुर जा। ईमान वाले शौक इन्ना सी ते मदीने दा पता कोई नहीं सी कि किहड़े पासे। हजूर दी मुहब्बत च टुरिया, पहले इधर नूं टुरिया ते वाह वाह टुर गए। किसी ने आख्या मदीना ते उधर, फिर उधर नूं टुरे।
ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਦੀਨਾ ਉੱਧਰ ਇੰਜ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਚਾਤੀ ਮਾਰੀ ਹਰ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਹੈ ਮਗਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਬੂਹਾ ਆਖਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਆਖਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਨੇ ਥੱਕਿਆ ਹਾਰਿਆ ਕਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਪਾਣਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਫਲੂਏ ਬਣ ਗਏ ਜਿਸਮ ਮਿੱਟੀ ਗਿਰਦੋ ਗਵਾਰ ਬਾਲ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਥੱਕਿਆ ਹਾਰਾ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਇਹ ਸੀ ਉਮਤ ਸੌਂਦੀ ਸੀ ਨਬੀ ਜਾਗਦਾ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਖੁਦ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸਬਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਯਬੀ ਤੂੰ ਨਾਲੇ ਰੱਬੀ ਹਿਮ ਸੁਜਦਾਂ ਅਗਿਆਮਾ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਸਜਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਬੀਏ ਕਰੀਮ ਉੱਠੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਚਾਤੀ ਮਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰੀਬ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਏ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਅਬਦੁਲ ਉਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਆਇਆ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਏ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਚਿਮੜ ਗਿਆ ਹੈ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਤੂੰ ਅਬਦੁਲ ਉਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅਬਦੁੱਲਾਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾਹ ਵੇਖੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਡਈਆਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਫਰਮਾਇਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋ ਨਾਮ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਓ ਫਿਲਮੀ ਡਰਾਮੇ ਨਾਮ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਫਲਾਣਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਫਲਾਣੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇੰਜ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਉਹ ਨਾਂ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਹਾਬੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੇਰੀ ਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੂਰਤ ਮਰੀਅਮ ਮੈਨੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰੀਅਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿਓ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਆਏ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖ ਛੱਡੋ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁੜਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਇਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹਾਫਜ਼ ਕੋਈ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਗੁੜਤੀ ਦੁਆਇਆ ਕਰੋ ਔਰ ਗੁੜਤੀ ਦਾ ਵੀ ਬਸਾਖਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੋ ਗੁੜਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੱਲਾ ਕਾ ਤਮਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਜੂਰ ਹੈ ਵੇ ਜੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਪਨੇ ਖਜੂਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਥਿਆ ਉਹਦਾ ਲੁਆਬ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਲੁਆਬ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਚਟਾਉਂਦੇ ਹੋ
वो गुड़ती दिती और फरमाया अनस मैंने तेरे भरा का नाम अब्दुल्ला रखा, तो गलत ना होए उन्हों बदल छड़िया करो, अल्लाह के नाम च कोई नाम। सरकार ने फरमाया जिदे पुत्र का नाम मुहम्मद होएगा मैं क्यामत आले दिन उस प्योर पुत्र की सिफारिश करके जन्नत च लैके जावांगा। हजूर दे नाम तो बेहतर कोई नाम किड़ा हो सकता, किड़ा सोहना नाम है। तो मुहम्मद नाम रखो, अहमद नाम रखो, अबू बकर रख लो, उमर रख लो, उस्मान रखो, अली रखो, हसन रखो, हुसैन रखो, फातिमा रखो, जैनब रखो, रकैया रखो, उम्मे कुलसूम रखो, ऐशा रखो, उम्मे हबीबा रखो। ये सहाबियां दे नाम, हजूर दी बीवियां दे नाम, किड्डे सोहने नाम ने। तो ये नाम रखने चाहिए ने। इंज ना क्या करो फलाने का ना और मेरे चाचे दे मुंडे का भी ना है ये ते असी भी और रखिए, कोई गल नहीं जी। बाज ऐसे ऐसे बुजुर्ग बुजुर्ग गुजरे ने जिन्हां दे नाम भी मुहम्मद, अब्बे का नाम भी मुहम्मद, दादे का नाम भी मुहम्मद, परदादे का नाम भी मुहम्मद। साढ़े महल्ले के अंदर मेरे बच्चे का नाम मुहम्मद, मेरे भरा का घर सामने वो बच्चे का नाम मुहम्मद, मेरे घर के सामने घर वो बच्चे का नाम मुहम्मद, नाल ही तीस चौथे पासे घर है उन्हें भी मुहम्मद रखे। एक बंदा अच्छे काम की बुनियाद बनाए तो दूसरा भी रखे। तो फिल्मी ड्रामे नाम ना रखो, किड्डा सोहना नाम है मुहम्मद, जेडे घर च होएगा रब बरकत देगा। इस वास्ते गलत नाम बदल छड़ो, अच्छा नाम रखो। और बाद बीवियां साड़ियां मैं माजरत नाल अपनी पैना मामा की खिदमत चर्ज करांगा कि कई ना रख छड़दे ने मुहम्मद, और ना नहीं है ना रखिए बड़ा भारा है, ये बड़ा भारा ना है। बाद ने इब्राहिम रखिया हुंदा ते कई औरतां कारी साहब और साड़ी मासी कहन डई सी ये ना बड़ा भारा है। मैं किन्ना कु भारा है, दो किलो चार किलो मन किन्ना कु भारा है भाई। खाम खा वहम जेना दे अंदर औरतों के खसूसी पिया हुंदा ना वहम। तो इस वास्ते सरकार ने बेहतरीन नाम रखे। तेरा ना की है? मेरा ना जी अब्दुल लात है, लात उन्हां दा बुत सी। फरमाया तेरा ना अब्दुल रहमान है, मैं तेरा नाम अब्दुल रहमान रखे। उसी लड़के नू जेड़ा सीने ना लगे है की ना ही अब्दुल उज़ा, उज़ा उन्हां दी देवी सी, वह देवी की परस्तिश करते सन। आपने फरमाया तू देवी का नहीं तू रब का बंदा है, अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला नाम रखो, सोहना ना है। ये ना वेखिया करो कि फलाने का नाम भी है फलाने का नाम, और तुस अपने घर में सोचना कि फलाने का भी सोचना। भावें पंज ना साढ़े एक बुजुर्ग ने फैसलाबाद के अंदर उन्होंने व्डे बेटे का नाम भी यूसफ, छोटे का नाम भी यूसफ, तीसरे का नाम भी यूसफ, चौथे का नाम भी यूसफ। उन्हें अपने पीरो मुर्शद के नाँ से अपने सारे बच्चों के नाँ यूसुफ रख छड़े। हूँ की उत्थे कोई परेशानी वाली गल, उन्हें इन्ना कर छड़िया यूसुफ अव्वल, यूसुफ सानी, यूसुफ सालस, यूसुफ रापे, इन्नी क तब्दीली कर छड़ी, बाकी ना सारे दे यूसुफ। इस वास्ते बच्चियां दे अच्छे नाम रखो, तो अच्छे बंदे को गुड़ती दुआया करो कि गुड़ती अच्छे बंदे को, नमाजी बंदे को। और फरमाया कन दे अंदर अजान दुआया करो, सज्जे कन च अजान ते खब्बे कन विच तकबीर। ते इहदे वास्ते कोई जरूरी नहीं कि मौलवी साहब ही आण ते ये आप ही भी दे लिया करो, इन्नी को कोशिश कर ले। इंज मौलवियों नूं मन्नदे कोई नहीं तुसीं, ते जो अजान वेला हुंदा ते फिर कहंदे सानू शर्म आंदी है मौलवी जी तुसीं आप ही दिओ, भाई आप ही भी कोशिश कर लिया करो ना। आप ही भी बंदे नूं कम से कम अजान ते आनी चाहीदी है, सज्जे कन च अजान, खब्बे कन च तकबीर कहो। आका की फरमाते ने, बच्चा जो बोलन लगे ना उन्हों पापा ढिड्डे पापा मामा ना सिखाया करो, उन्हों कलमा सिखाया करो, अपने बच्चों की जबान ते कलमा लिया करो। तो जो कलमा आ जाएगा, पहली बोली कलमा होए तो आखिरी बोली कलमा हो जाए, सरकार फरमाते ने सीधा ही जन्नत जाएगा। तो मामा सिखादियां, मामा तो सारी उम्र यही कहदियां ने चंदा मामू, उन्हें कभी चाचा चंदा तो आख्या कोई नहीं, चाचे का चाचा चन नहीं हो सकता, ताया चन नहीं हो सकता, चन मामा ही हो सकता, यह भी बड़ा वड्डा जुलम है।
इंज ना करो को चाचे ने भी चन्न बना के वेखो, चाचे सगो बहुता प्यार करते, ताए भी बड़ा प्यार करते, निरे मामे प्यार नहीं करते, चाचे भी प्यार करते ने, मामे भी प्यार करते ने, ताए भी प्यार करते ने, तो ये सारा खाता ही मामिया वाल पास छड़दियां ने। इंज ना करया करो, तो सारे रिश्ते प्यारे होंगे, चाचे वाला रिश्ता अपनी जगह प्यारा है, मामे वाला रिश्ता अपनी जगह प्यारा होंगे, हर एक नू ओदा मुकाम दिया करो, हर एक नू ओदी शान दिया करो। साढ़े यहाँ ये चलो गल टुर गई इमारत कर दिंदा, साढ़े यहाँ अलमिया ये होंगे कि जे बंदे दे घर वालों कोई आ जाए तो घर च परेशानी होंगी, जे अपने घर वालों आए तो जनाब मौज बहारा लग जाती, मुर्गी भी आ जाती है, वड्डा गोश भी आ जाता, छोटा भी आ जाता है, तो जे बंदे वालों आ जाते इंज होंगे या सोग हो जाए घर च या फोतगी हो गई, चलो दाल नू तड़का ला, बंदे ने आख्या ना भलीए अम्मा अब्बा आंडे ने ते कुछ बना लई, तो उन्हें आख्या दाल है वे रात वाली, मैं जरा सोहना जहा तड़का ला ला, उन्हें आख्या नहीं, उन्हें आख्या कि अपने तो है ने कि बेगाने ने अपने ने खा लेंगे, उन्हें कहा ठीक है, उन्हें दसिया नहीं कि अम्मा अब्बा आन कि डे है, आप ही टुर गया तो नाल उन्हें मोबाइल भी बंद कर छड़े, तो जो बुआ खड़किया तो वेख्या बेगम दे अपने अम्मा अब्बा सन बुए चुकला, हूँ लगी इधर उधर फोला फलाई, तो फोन करे फोन बंद, वाहवा देर बाद उन्हें फोन खोलिया तो इन्हें तड़ाक, कितने दफा हो गए हो, कितने मर गए हो, अम्मी अबू घर आए ने तो घर कोई चीज़ ही खुआन वाली है नहीं, उन्हें आख्या जी रात वाली दाल ही उन्होंने तड़का ला ले, वेखो अम्मा अब्बा रोज आते हैं, उन्हें कहा है तो अपने ही ने ना किड़े बगाने ने, इंज ना करया करो, सारियां नू अपने माँ बाप समझिया करो, सोहरा भी बाप हुंदा है, सस भी माँ हुंदी है, अलमिया यह हुंदा है कि सस नू नू धी नहीं समझती और नू सस नू माँ नहीं समझती, अगर सस ये समझे कि मेरी नू दे पैरां थले मेरे पोतरियां दी जन्नत है और नू ये समझे कि मेरी सस दे पैरां थले मेरे खावन की जन्नत है तो घर आप ही जन्नत बन जाता, उन्हू जन्नत बनाने वास्ते और तो कुछ नहीं चाहिए, है कुछ ही सोने चांदी नाल घर जन्नत नहीं बनते, जन्नत मुहब्बत नाल बनते, जन्नत प्यार नाल बनते, तो ये रिश्ता क्योंकि मियाँ बीवी का मुहब्बत और प्यार दा, इस तो बगैर घर च जन्नत नहीं आती, मुहब्बत नहीं आती, प्यार नहीं आता, जदों दोनों एक दूजे का ख्याल करनगे, बाद साड़ियाँ बेचारियाँ भैणा कह छड़दियां ने सोहरे की खिदमत करना साढ़े ते केड़ी जरूरी, ये तो मेरे बंदे दे माँ प्यो ने ये ओ खिदमत करे साढ़े ते केड़ी जरूरी। अल्लाह दे बंदियो सरकार फरमाते ने एक बंदा एक औरत जान रही सी ते उन्हें कुत्ते का बच्चा प्यासा वेख्या ते औरत भी कोई नेक नहीं सी बद करदार से ते उन्हों उस प्यासे कुत्ते ते तरस आ गया ते उन्हें अपना जराब कढ़ के मोजा कढ़ के दुपट्टे नाल बन के खूच गिला करके उदे कतरे उस कुत्ते दे बच्चे दे मूँह च पाए रब ने उदी बख्शिश दा फैसला कर छड़े वो ते कुत्ते दा बच्चा है और सोहरा ते इंसान है ते इंसान नू पानी पलान ते किन्ना सवाब है सोहरा बाप है क्योंकि सोहरे तो परदा नहीं होंदा तो बाप है तो बाप जिहड़ा उहदा मकाम बड़ा होंदा कि जिस तरह प्यो छड़ के आई है अल्लाह ने प्यो अगे दे छड़े माँ छड़ के आई है तो माँ फिर अगे दे छड़े तो इन्हां दा अदब भी इन्हां दा एहतराम भी उसी तरह जरूरी है जिस तरह अपने माँ बाप का जरूरी जिस तरह अपनी बेटी के खावन का ख्याल रखते हो अपना पुत्र ते अपनी नूह का भी उसी तरह ख्याल रखिया करो वो जवाई तो बेचारा जे हूँ तो रवाज ही बदल गया महंगाई का दौर है हर बंदा जान छुड़ा दो चार हफ्ते जड़ा आंदा बड़े बेचारा खुश खुर्रम बड़ी खिदमत कर दियो तो जदों जदों जवाई पुराना होन लग पैंदा खिदमत भी पुरानी होन लग पैंदी वह भी बेचारा घोड़े ते बह के आया ते आया ते उन्हें मशवरा शुरू कर छड़िया कि भाई इनू खुआइए की एक कख लगा आलू पका लो
दूजा कहिंदा नहीं गोभी चंगी हुंदी, एक आखन लगा पट्ठे पका लो। हुण इह वी सुणदा रहा कि कोई कुकड़ तक गल नहीं आण रही, ये कोई पट्ठिया ते भिंडिया ते आलूआ ते कद्दू शरीफ ते इत्थे तक। ते ओ आखन लगे चलो भाई नूं ही पुछ लो इन्हां की खाणा है। आखन लगे भाई दसो तुसां की खाणा है। कहन लगा जिहड़ा मेरा घोड़ा है ना इहनूं लाल कर लो, इहदियां बोटियां बना लो। उन्हें आखिया भैन तुसीं कादे ते जाओगे? कहन लगा जिहड़ा तुहाडा कुकड़ फिरन डिया मेरे ते बह के टुर जा, इह साड़ी फूकना होर की करना। इस वास्ते मुहब्बतां नाल घर आबाद हुंदे। आका पुछदे पे ने की ना है? फरमाया या रसूल अल्लाह मनु अब्दुल उज़्ज़ा कहंदे ने। नबी करीम ने फरमाया तू अब्दुल उज़्ज़ा नहीं तू अब्दुल्ला है, मेरे कोल आए। या रसूल अल्लाह मेरा घर कोई नहीं कबीला कोई नहीं, मैं किथे रवांगा? नबी करीम ने फरमाया तू मेरी मस्जिद दे अंदर रही। या रसूल अल्लाह मैं की खावांगा? नबी करीम ने फरमाया जो ओ मैं खावांगा ओहो ही तू खाई। अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरा दिल कर दे मैं अल्लाह दा कुरान पढ़ा। नबी करीम ने फरमाया जदू मनू वेखे कि मैं फारग बैठा मेरे कोल आ जाई कुरान पढ़ लई। ईमान वाले जदू भी हजूर नू वेंदे हजूर दे नाल टुरदे, अगर बाजार दे अंदर हजूर ओ भी बाजार दे अंदर, सफर दे अंदर जांदे ओ भी नाल, जिने बिनाल राती बिनाल अल्लाह दा कुरान सिख दे कुरान दी तालीम हासिल कर दे। वेला गुजरदा गया मस्जिद नबवी दे अंदर बैठे हुए ने जोर नाल कुरान पढ़े ने, कोई साहबी नफल पढ़ रहा है कोई कुरान दी तलावत कर रहा है कोई जिक्र कर रहा है। ए लड़का ए नौजवान जोर नाल कुरान पढ़ रहा है। उधरों हजरत उमर आ गए, हजरत उमर ने वेख्या जोर नाल कुरान पढ़ रहा है। उमर फरमान लगे ओ पेंडू लड़के ओ देहाती लड़के कुरान होली पढ़। उधरों हजूर आ गए, नबी करीम ने हजरत उमर दी गल सुनिए। फरमाया उमर इनू कुछ ना आखी क्योंकि हजूर जानते सन कि मेरी मुहब्बत के अंदर अपनी मां नू भी छड आया है घर बार छड आया है। हजूर फरमाते ने उमर इनू कुछ ना आख ये होली पढ़े एदी मर्जी है, ये जोर नाल पढ़े एदी मर्जी है। उमर तू इनू कुछ नहीं कहना क्योंकि ये कुरान दा आशिक है। ईमान वाले जदों ये तालिब इल्म इंतकाल कर जाता है फोत हो जाता है कबर के अंदर उतारिया गया दफन कर दिता है, साहबा फरमाते ने असी हजूर के नाल खड़े हाँ तो सरकार की अखा चो आंसू जारी ने और आपने आसमान की तरफ चेहरा किया, फरमाया रब्बा मैं ये राजी हाँ तू भी ये राजी हो जा। वो जिदे ते रब भी राजी जिदे ते सोना नबी भी राजी वो ते सीधा जंती ते कौन सी कुरान वाला सी। इसी वास्ते आका ने फरमाया जिदा बच्चा हाफ़िज़े कुरान बनेगा क़यामत वाले दिन अपने खानदान दे दस ओ बंदे जिन्हां दे बारे च जहन्नम दा ऐलान हो चुकिया होएगा कहना जहन्नम च जाना है, ए हाफ़िज़े कुरान उन्हां दी सिफारिश करेगा रब ए दी सिफारिश से जन्नत अता करेगा। कितने बड़ी एहसास दी बात। या इंज तसव्वुर करो कि हाफ़िज़े कोल दस जन्नत दे टिकट होण मैदान मैशर होए ते सारे रिश्तेदार उहदे आल दुआले ही खलोते होणगे, दादी वखरियां आवाज़ां मारेगी पुत्र तैनू साग च मक्खन पा के बड़ा खवाया एक टिकट मनू भी दे, नानी वखरियां आवाज़ां मारेगी पालिया पुत्र मैं ही हाँ तेरी माँ तो संभाल नहीं सी सकी एक टिकट मनू दे, फुफियां वखरियां आवाज़ां मारनगियां तेरा अब्बा मारदा सी ते छुड़ांदियां असीं भी बड़ियां रहियां तैनू ते तू एक टिकट सानू दे, खाला वखरियां आवाज़ां मारेगी लेकिन अल्लाह वल्लों आर्डर होएगा फजी अज तुहाडी मर्जी चलनी है जिन्हों टिकट तुसी दे दोगे जन्नत मैं अता कर दूंगा। तो ये हाफ़िज सिफारशी है अपने खानदान का अपने घर आलियां दा। इस वास्ते कोई बच्चा हाफ़िज कुरान बनता होए या दाखिल कराए तो तंग नजरी नाल ना वेख्या करो। एक बच्चा बुनियाद बनता है
ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਫ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਮਰਤਬਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸੁਸਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਵੀ ਸਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਕਰਾਚੀ ਉਹ ਖੁਦ ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮੀਆਤ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲੇ ਪਾ ਛੜੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਰਾ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮਦਰਸੇ ਪਾਏਗਾ ਇਹ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲ ਪਏਗਾ ਅੱਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਖਤ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਛੜਿਆ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਪਾ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸੀ ਚਾਚੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਣ ਡਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਮਾਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਦਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਨੀ ਚਾਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਹਾਫਜ਼ ਔਰ ਆਲਮ ਸਨ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰਾਚੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਤੋ 45 ਸਫਰਾਦ ਬੱਚੀਆਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਵਾਬ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਜ ਹਾਫਜ਼ ਸੁਫਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਫਜ਼ ਬਣੇ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਵਾਬ ਹਾਫਜ਼ ਸੁਫਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਲਦੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੋ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਹੋ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਓ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹਾਫਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਕਬਰ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਂਟਾਂ ਸ਼ਰਟਾਂ 'ਤੇ ਟਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਏ ਡਾਕਟਰ ਏ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਹੀ ਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਫਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਦੁਆ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਰਾਦਾ ਫਰਮਾਓ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਾਫਜ਼ ਬਣਾਓਗੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦਾ ਫਰਮਾਏ ਵਾ ਆਖਿਰ ਦਾਵਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਅੱਲਾਹੁਮ ਅੰਤ ਸਲਾਮੁ ਮਿਨਕ ਸਲਾਮੁ ਤਬਾਰਕ ਤੇ ਜਲਾਲਿ ਵਲ ਇਕਰਾਮ ਅੱਲਾਹੁਮ ਸੱਲ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਬੀਲ ਉਮੀ ਵਾ ਅਲਾ ਆਲਿਹੀ ਵਸੱਲਿਮ ਤਸਲੀਮਾ ਇਲਾਹੁਲ ਆਲਮੀਨ ਅਸਾਂ ਸਭ ਦਾ ਇਹ ਮਿਲ ਬੈਠਣਾ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲੇ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕਤਾ ਫਰਮਾ ਕੁਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕਤਾ ਫਰਮਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਔਰ ਇਸ਼ਾਅ ਦੀ ਤੌਫੀਕਤਾ ਫਰਮਾ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਨਿਜਾਤ ਔਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਇਸ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਅਸਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕਤਾ ਫਰਮਾ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਏ ਸ਼ਿਫਾਏ ਕਾਮਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਜੋ ਮਕਰੂਜ਼ ਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਫਰਮਾ ਜੋ ਬੇ ਔਲਾਦ ਏ ਔਲਾਦ ਸਾਲੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਇਲਾਹੁਲ ਆਲਮਨ ਜੋ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਏ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਵਸੀ ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਤਈਏ ਬਤਾ ਫਰਮਾ ਜੋ ਮੋਮਿਨੀਨ ਮੋਮਿਨਾਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਮੌਲਾ ਸਭ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾ ਅੱਲਾ ਬਰਮਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਲਸਤੀਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾ ਅੰਦਰੂਨ ਬਿਰੂਨ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾ ਅੱਲਾ ਮਨ ਨਹਯੈ ਤੋ ਮਿੰਨਾ ਫਹਯੀ ਅਲਿਲ ਇਸਲਾਮ ਵ ਮਨ ਤਵੱਫੈ ਤੋ ਮਿੰਨਾ ਫਤਵੱਫਹੁ ਅਲ ਈਮਾਨ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲਾ ਖੈਰ ਖਲਕਿਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਵ ਅਲਿਹੀ ਵ ਅਸਹਾਬਿਹੀ ਅਜਮਾਈਨ ਬਰਹਮਤਿਕ ਯਾ